नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 खबरों पर। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा का करेंगे उद्घाटन, सुरक्षा को लेकर खाली कराई इमारतें। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, सोनिया बोली कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी। सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई जांच हो जाएगी, अगर बीजेपी चाहे तो अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, मारे गए अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादी। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सौंपा तिरंगा, कहा देश को अब आपसे ही आस है। ट्रंप का दस्तावेज मामले में फ्लोरिडा ने न्यायाधीश की विशेष मास्टर नियुक्ति पर सवाल। विस्थापना, वैश्विक व आम जन की सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध की बड़ी चुनौतियां। यूक्रेन पर सैन्य कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक रूस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पुतिन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई के पूर्व प्रमुख रवि नारायण को 2 दिनों की ईडी हिरासत में भेजे गए। गुजरात में 2 दिवसीय विधानसभा सत्र 21-22 सितंबर को बुलाया गया, व्यवसायिक सलाहकार समिति पर होगी चर्चा। बिहार विपक्ष के नेता का हमला, कहा बिहार को नियंत्रण करने में नाकाम नीतीश देश चलाना चाहते हैं। एनआईए ने आतंकी मामले में जेएमबी के 6 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, फरीदकोट महाराज की बेटियों को संपत्ति में बहुमत का हिस्सा मिलेगा। कश्मीरी एथलीट दानिश मंजूर को मिली एक और उपलब्धि, केंद्र सरकार की योजना के बने एम्बेसडर। भारत का मतलब अफसर, ये पूरी सदी भारत की पीयूष गोयल। आरक्षण के सवाल पर बोले अरविंद केजरीवाल, जनरल वाले लाइन में खड़े रह जाते हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के घर पर इनकम टैक्स का छापा, बीजेपी पर भड़के। सीएम केजरीवाल पर लगा स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का आरोप, उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। में अवैध इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत, तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया, भारत हुई एशिया कप से बाहर।